नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है केपी इनोवेशन क्लासेस में। आज हम सभी एक बहुत ही मुख्य टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सार्क। ठीक है, यानी कि इसके अगर हम फुल फॉर्म की बारे में बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और अगर हिंदी की बात करेंगे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हुआ, आप दोहराएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को, याद रखना है आपको। कहाँ पर हुई थी ये भी याद रखना है कि ढाका बांग्लादेश में। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके सदस्य के बारे में तो इसमें 8 सदस्य हैं अभी हाल ही में और कुछ ऑब्जर्वर भी मौजूद हैं। ठीक, और अगर बात करते हैं सचिवालय कहाँ स्थित है यानी कि सेक्रेटरीट, तो वो आपके काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो देखते हैं इसके बारे में, इससे कुछ सदस्य के बारे में हमने बात कर ली, इसकी स्थापना के बारे में, ठीक है, और सेक्रेटरीट कहाँ पर है, सदस्य कितने हैं, इसकी फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, ये कुछ देशों का समूह है जो कार्य करता है, ठीक है, अपने आपस से सामंजस्य बैठा के नई नीतियों को लागू करता है और एक दूसरे की सेवा करता है। अब देखते हैं कि इसमें 8 सदस्य कौन कौन से हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है 8 सदस्यों में मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल, ये इसके टोटल 8 देश हैं जो इसमें शामिल है। ठीक है ना, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। इसको आपको याद रखना है, इसी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सा देश निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है अथवा नहीं। इसको याद करना है, इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या हो सकती है। ट्रिक के लिए आपको याद रखना है MBBS पेन। ठीक है ना, यानी कि आपको ये ट्रिक याद रखनी है और इसी के माध्यम से आप इसके सारे सदस्य को लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं M की बात करूंगा तो M हो जाएगा मालदीव, ठीक है, यानी कि पहला सदस्य है हमारा। इसी प्रकार अगर मैं B की बात करूंगा तो B क्या हो जाएगा, भूटान। ठीक, इसी प्रकार अगर फिर से बीच से बात करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, बांग्लादेश। ठीक, और इसी प्रकार एस से हम लिख सकते हैं श्रीलंका। ठीक, पी से आप लिखेंगे पाकिस्तान और ए से आप लिख सकते हैं अफगानिस्तान। आई से इंडिया और एन से नेपाल। ठीक है, तो इस प्रकार 8 आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से और आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।